नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण देवर्धन नक्सल और अब हम बात करने जा रहे हैं हाउस परचेज के बारे में, खास करके रीसेल प्रॉपर्टीज। दोस्तों, जब आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो तो एक दिक्कत ये आती है दोस्तों, बाकी के बहुत सारी दिक्कतें हैं लेकिन एक दिक्कत ये भी है कि आपको उस एरिया की लिवेबिलिटी का या तो पता नहीं होता है या फिर उसका इंतजार करना होता है, क्योंकि आप आज तो रहने जाने वाले नहीं हो। रेडी पोजीशन में आप आज अभी रहने जा सकते हो उस जगह पर। लिवेबिलिटी का एक इश्यू है, लिवेबिलिटी। तो लिवेबिलिटी क्या है मैं आपको समझाता हूं और फिर मैं वो इश्यू समझाता हूं कि अंडर कंस्ट्रक्शन में लिवेबिलिटी का इश्यू क्या है। ये वीडियो में मैं खास करके आपको रीसेल प्रॉपर्टी और रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में ही बात करूंगा, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन की एक उसको एक टॉपिक को टच करके जाते हैं। तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आप देख रहे हो, आप जाते हो, प्रोजेक्ट बन रहा है, आपको फ्लैट देखने नहीं मिलता है, दूर से आपको दिखाते हैं कि वहां पे देखो वो बन रहा है, लेकिन कोई डेफिनेट चीज नहीं दिखाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी और खास करके ये टाउनशिप टाइप के प्रॉपर्टीज होते हैं, लोधा पलावा सिटी, रुणवाल माई सिटी वगैरह वगैरह, तो ये टाइप के जो टाउनशिप प्रोजेक्ट्स हैं, टाउनशिप प्रोजेक्ट्स की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इट हैज अ वेरी लो लिवेबिलिटी, वहां पे रहने जैसा नहीं है और रहोगे तो बहुत सारी सहूलियत आपको नहीं मिलेंगे। हालांकि वो आपको घर बेचते हैं सहूलियत दिखाकर, कन्वीनियंसेस दिखाकर। किस टाइप के कन्वीनियंस? वो कहेंगे सर यहां से मेट्रो 1.5 किलोमीटर दूर है, यहां से मेन रोड 2 किलोमीटर दूर है, यहां पर फलाना हॉस्पिटल है, स्कूल है, फलाना ढिमकाना। तो आपको एक्सेसिबिलिटी सारे दिखा देते हैं और कहते हैं कि यहां से सो एंड सो मॉल 15 मिनट की दूरी पर है वगैरह वगैरह। तो वो आपको लिवेबिलिटी का एक पूरा क्या कहते हैं, आपके मन में एक नक्शा ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में आप देखने जाओगे तो लिवेबिलिटी उन घरों का बहुत लो है। अब लिवेबिलिटी मतलब क्या और मैं क्या कह रहा हूं उसमें थोड़ा मैं स्पष्ट तरीके से आपको समझाता हूं, खुलकर समझाता हूं। लिवेबिलिटी मतलब ऐसे सोच लो कि आप अपने घर से नीचे उतरोगे तो आपको एक चहल पहल वाला शहर मिलेगा, जहां पर दुकानें हैं, जहां पर रिक्शा मिल जाते हैं, बसेस मिल जाते हैं, ट्रांसपोर्ट मिल जाता है, जहां पे सब्जी चाहिए तो आपको बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है, और अगर दूर जाना पड़ा तो दूर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट मिल रहा है आसानी से। अगर आप रास्ता क्रॉस करने की कोशिश करते हो, क्रॉस करना चाहते हो सामने वाले बिल्डिंग में जाने के लिए, तो रास्ता इतना चौड़ा नहीं है कि आपको यानी ट्रैफिक का डर लगे, या फिर बीच में ऐसे ट्रैफिक आइलैंड्स या ऐसे बैरिकेड्स नहीं है कि आपको सिर्फ रास्ता क्रॉस करने के लिए 1.5 किलोमीटर का चक्कर मारना पड़ता है, आधा किलोमीटर ऐसे जाओ फिर आओ और फिर आधा किलोमीटर ऐसे आओ, यानी 1 किलोमीटर का राउंड हो गया आपका सिर्फ रास्ता क्रॉस करने के लिए, जबकि आप और क्योंकि आप बैरिकेड के ऊपर से कूद के नहीं जा सकते हो। तो इस टाइप की लिवेबिलिटी इश्यूज कहां पर आती हैं, खास करके जिसको प्लान्ड सिटीज या प्लान्ड टाउनशिप्स कहते हैं, प्लानिंग वाले टाउनशिप्स, प्लानिंग वाले शहर। तो लिवेबिलिटी इश्यूज, अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि लिवेबिलिटी, लिवेबिलिटी मतलब रहने के लायक होना, लिवेबल होना मतलब रहने के लायक होना। तो रहने के लायक दोस्तों आप कहोगे यार डिपेंड्स, किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ और पसंद आता है। हां, किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ और पसंद आता है, लेकिन बंजर जमीन किसी को पसंद नहीं है। किसी चीज का बांझ होना या बंजर होना या यानी अनफर्टाइल होना, रहने के लायक ना होना, सूखा होना, वो किसी को भी पसंद नहीं आता है।
अब बहुत सारे ऐसे प्लान्ड सिटीज है, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, पहले मैं अनलिवेबिलिटी की एग्जाम्पल दे रहा हूं और फिर अनलिवेबिलिटी जाएंगे, लिवेबिलिटी क्या होता है और किस टाइप के लिवेबिलिटीज हो सकते हैं। बचपन में दोस्तों मैं बड़ा पला बड़ा अहमदाबाद में, अहमदाबाद एक अच्छा सा शहर था, चहल पहल थी। उसी से कुछ दूरी पर करीब करीब 20 किलोमीटर दूर कैपिटल सिटी ऑफ गांधीनगर, गुजरात का कैपिटल सिटी ओरिजिनली अहमदाबाद था, फिर गांधीनगर बनाया गया। गांधीनगर एक आर्टिफिशियल सिटी था और अगर मैं कभी वहां पर जाता था, या तो रनिंग करके जाता था या फिर साइकिल चला के जाता था या बस में जाता था, तो देखता था कि गांधीनगर के जो रास्ते हैं एकदम सीधे हैं, चौड़े हैं, काफी चौड़े थे उन दिनों के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, और फुटरूलर के लाइन की तरह सीधे थे, और हर जगह पे क्रॉस रोड क्रॉस रोड क्रॉस रोड क्रॉस रोड, यानी बिल्कुल ऐसे चेक्स वाला पैटर्न से बनाया हुआ शहर था। वहां पर मेरे डैड ने फ्लैट भी लिया, लेकिन वहां वो फ्लैट में हम देखने गए, बैठे देखे, कुछ बंजर सा लग रहा था। वहां पहुंचे थे किस तरह से, बहुत मुश्किल से पहुंचे थे, बसेस नहीं है, ऑटो रिक्शा नहीं है, बाहर जाओगे तो चाय की रेकड़ी नहीं है, अगर चाय पीनी हो तो छोटा सा कोल्ड ड्रिंक का दुकान नहीं है, फल वाले नहीं है, सब्जी वाले नहीं है, कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है, किसी से कुछ पूछना है तो कोई इंसान बैठा नहीं है कहीं पे। तो ये टाइप की प्लान्ड सिटीज का एक फीचर होता है कि बंजर, आपको लगेगा यार ये मैं कहां आ गया हूं, कैसे हालात में मैं रह रहा हूं, रहने जैसी जगह नहीं है, तो इसको कहते हैं अनलिवेबल। अब लिवेबिलिटी की बात करते हैं, तो जो ऑर्गेनिक सिटीज हैं, ऑर्गेनिक सिटी क्या है, ऑर्गेनिक मतलब जो जमीन से उपजा हुआ, मैं थोड़ा सा मीनिंग में फेरफार कर रहा हूं लेकिन आपको समझ में आए उस तरह से फेरफार कर रहा हूं, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूं। तो ऑर्गेनिक मतलब मोर ऑर लेस जमीन से उपजा हुआ, जो जमीन से बना है, नेचुरल सिटी। तो पहले गांव रहता है, वो गांव में से धीरे धीरे रास्ते चौड़े होते जाते हैं, एक बाजार बनता है, एक स्कूल बनता है, एक मंदिर रहता है, वगैरह वगैरह करते करते वो जब गांव बड़ा होता है तो वो शहर बनता है। तो उस शहर को हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिकली बना हुआ शहर है, जो जमीन में से उपजा हुआ है, आर्टिफिशियल नहीं है, जो आसमान से किसी ने छाप दिया है जमीन के ऊपर कि ये ले मैंने शहर बना दिया, पेड़ काट के फटाफट शहर बना दिया। अब ऑर्गेनिक सिटीज की क्वालिटीज क्या है, तो एक क्वालिटी मैं ये कहूंगा दोस्तों कि उसके जो रास्ते होते हैं वो थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं। ऑर्गेनिक शहर में रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं। अब टेढ़े मेढ़े क्यों होते हैं, क्योंकि वो टेढ़े मेढ़े टोपोलॉजी को फॉलो करते हैं। अगर एक पर्वत है, एक हिल है, जो पर्वत नहीं है, छोटा सा डूंगर है, तो वो डूंगर के अराउंड जाएगा, डूंगर के ऊपर से जाएगा तो उसका स्लोप पकड़ के जाएगा कि बहुत ऊंचे स्लोप को नहीं पकड़ेगा, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे उसके कारण हैं जिसकी वजह से रास्ते टेढ़े मेढ़े रहते हैं, पेड़ के शाखाओं की तरह। ये एक नेचुरल सिटी का फीचर है। दूसरी बात यह है कि हरेक रास्ता बहुत चौड़ा नहीं रहता है और बहुत सारा उसमें ट्रैफिक नहीं रहता है, ऐसा ट्रैफिक नहीं रहता है कि आपको क्रॉस करने से डर लगे। एक होमली वातावरण होता है। अब होमली, हरेक के लिए होमली सेम नहीं होता है, किसी को होमली मतलब मेरे घर के जैसे फीलिंग तब आएगा जब वो मार्केट के बीचों बीच रहते हैं, यानी फ्लैट है, फ्लैट से उतरे, समझो चार माले का पांच माले का फ्लैट है, पांच माले से नीचे जमीन पे ग्राउंड लेवल पे उतरे, बाहर गेट से गए और गेट भी छोटा सा है, यानी एक मिनट का भी रास्ता नहीं है, आप गेट से बाहर निकलते ही बाहर सब्जी वाले, केले वाले, तरह तरह के समोसे वाले, वगैरह वगैरह सब हर जगह, दुकान, आना जाना, चहल पहल, रिक्शा, बसेस, ये सब दिखता है, रेलवे स्टेशन। तो ये टाइप के जो चहल पहल है रास्ते के, ये बाजार के बीच में जीना, कुछ लोगों को ये बहुत सूट होता है और ये एक टेम्परमेंट है,
एक टेस्ट है। कुछ लोग कहेंगे नहीं मुझे वो टाइप का चकेट चाहिए कि जहां पे जैसे ही मैं घर से बाहर निकलूं, नीचे उतरूं, रास्ते पे पहुंचूं तो मुझे ऑटो मिलना चाहिए, रिक्शा दिखने चाहिए कम से कम, फिर मिलना वो ठीक है, दो तीन रिक्शा को जाने देंगे एक मिल जाएगा, लेकिन दिखने तो चाहिए, चहल पहल होना चाहिए, आते जाते कोई पब्लिक होनी चाहिए। वो सब अगर नहीं है तो वो कहते हैं ये लिवेबल जगह नहीं है। और अच्छा है, सही है, गलत नहीं है, मुझे वो चीज उतना पसंद नहीं है बाजार के बीच में जीना, लेकिन कुछ लोगों को वो बहुत सूट होता है, क्योंकि आप बच्चे को यानी किराना दुकान में भेज सकते हो, वो भागा भागा जाएगा, पांच मिनट में आएगा, तो आप शक्कर खत्म हो गया कोई टेंशन नहीं, दूध खत्म हो गया कोई टेंशन नहीं, कोई भी घर की चीज चाहिए, कुकर खराब हो गया जा बेटा रिपेयर करवा के लेके आ, कपड़े फट गए जा बेटा उधर कॉर्नर पे सिलाई वाला बैठा है सिलवा के ले आ। तो इस तरह से जो एक सहूलियत मिलती है आपको वो सिर्फ ऑर्गेनिक सिटी से मिलेगी, ऑर्गेनिक मतलब जो जमीन से उपजा हुआ है। अब दूसरा टाइप का लिवेबिलिटी मैं आपको समझाऊंगा जो इस टाइप की लिवेबिलिटी से थोड़ा सा अलग है लेकिन फिर भी ऑर्गेनिक है, यानी जमीन से उपजा हुआ, प्लान्ड सिटी नहीं है। तो एक इस टाइप के भी कुछ घर होते हैं जो शहर से दूर होते हैं, बाजार से दूर होते हैं, शहर से दूर हो ना हो लेकिन बाजार से चहल पहल से थोड़ा दूर होते हैं, लेकिन शांतिमय, रास्ते पतले पतले, रास्ते ऐसे कि कोई किसी के घर जा सकता है, सुबह चल के जा सकता है, एक फील रहता है कि नेबरहुड है ये, यहां पर सब मेरे पड़ोसी हैं, किसी से बनती है किसी से नहीं बनती है लेकिन सारे मेरे पड़ोसी हैं, कोई अजनबी नहीं है। वो गाना है ना, अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे, आपको अजनबी शहर नहीं लगेगा, आपका दुख दर्द पे कोई भी मिल जाएगा जो आपका दुख दर्द बांट सकता है, कोई गिरा हुआ इंसान रहेगा तो 10 लोग आ जाएंगे कि ये आदमी गिरा तो क्यों गिरा, पहचान भी आ जाएगी, हाँ ये तो मैं जानता हूं, ये मेरा पड़ोसी है, वो है यहां पे रहता है, यानी एक कम्युनिटी का फील आता है। अब ये कम्युनिटी का फील जरूरी नहीं है कि मार्केट के बीचों बीच हो, मार्केट से बाहर भी हो सकता है, मार्केट से दूर भी हो सकता है, और लोगों का आना जाना फिर भी हो सकता है। अब लोगों का आना जाना मतलब क्या, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। तो लोग मतलब एक तो जो लोग सोसाइटी में रहते हैं, उस नेबरहुड में रहते हैं, उस लोकेलिटी में रहते हैं, एक तो उनका आना जाना। रास्ते पतले, बहुत ज्यादा चौड़े नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा चौड़े हो जाते हैं तो स्पीड से ट्रैफिक जाता है, और स्पीड से ट्रैफिक जाता है तो बच्चों के लिए वगैरह खतरा है। अगर पतले पतले रास्ते होते हैं तो लोगों को आना जाना होता है, स्कूटर पे आते जाते हैं, रिक्शा में भी आते जाते हैं, और अगर आप कार चलाते हो तो उतनी स्पीड से नहीं चला सकोगे, जिसकी वजह से लोग सुरक्षित रहते हैं। तो वो जो एनवायरमेंट है, वो जो परिसर है, वो ह्यूमंस के लिए बनाया हुआ है, इंसानों के लिए बनाया हुआ एक परिसर है, ऐसे महसूस होगा, अपने को अच्छा लगेगा, पेड़ पौधे हो सकते हैं और भी अच्छा लगता है। जो कुछ आप ढूंढो, ओके, आप ऑटो रिक्शा ढूंढते हो या किसी पड़ोसी को बुलाना चाहते हो तो है, नजदीक में है, आपको एक सेफ फील होता है, सिक्योरिटी फील होता है, कि आपको ऐसे नहीं लगता है कि इधर मैं गिर जाऊं तो मेरा क्या होगा, वो फीलिंग नहीं आता है, या कोई ऐसे फीलिंग नहीं आता है कि कहीं से चोर उचक के आएंगे और मारकर चले जाएंगे, ये फीलिंग नहीं आता है। तो इसको कहते हैं सेफ नेबरहुड का एक फीलिंग, बाजार से दूर हो सकता है। अच्छा, इसके एडिशन में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं कुछ नेबरहुड्स के, कि वहां पे ठंडी हवा बहती है, कि वहां का मौसम बड़ा अच्छा है, कि यहां वहां फूल के पेड़ हैं, पारिजात या मोगरा की खुशबू हवा में फैलती है। मैंने ऐसे नेबरहुड्स देखे हैं, उस नेबरहुड में जाते ही वाह वाह वाह, मोगरा का खुशबू, परिजात का खुशबू, ऐसे कुछ कुछ फूल थे
जो इतने फ्रेग्रेंट होते हैं कि उन आप अरे वाह मजा आ गया। शाम को निकलोगे फूल की खुशबू मजा आ गया, वो पूरे एरिया में फैल जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक टाइप की लिवेबिलिटी है। बंगलो नेबरहुड्स होते हैं, कुछ नेबरहुड्स ऐसे होते हैं कि छोटे छोटे बंगलोज होते हैं या टेनमेंट्स होते हैं आपके लिए सब, यानी 100, 125, 150, 200 लोग हैं तो सबके सब आपके पड़ोसी हैं, आप एक दूसरे को मिल सकते हो, जानते हो एक दूसरे को, पहचानते हो एक दूसरे को, एक कम्युनिटी का फील आता है, एक साथ में रहने का फील आता है। तो ये भी एक लिवेबिलिटी का एक पैरामीटर है। शहर से दूर हो सकता है ये, फिर भी आपको एक फील आएगा। और एक फील, मैं फील के इंपॉर्टेंट कुछ फीचर्स मैं आपको दिखाता हूं। अगर आपका घर मैदान के पास में हो, कैसा मैदान? ऐसा मैदान जहां पर आप घूमोगे, चलोगे, कुत्ते को वॉक करवाओगे, बच्चों को खेलने को भेजोगे, आप खुद जाके बैठोगे वहां पे बेंचेस पे, आप मजे करोगे, मजे लोगे उस जगह का, खुली हवा का, आप व्यायाम कर सकते हो, इस टाइप का मैदान, कहीं पे फूल के पौधे हो या पेड़ हो जहां जिसके छांव हो, तो आनंद ले सकते हो उस चीज का, वो एरिया की लिवेबिलिटी बढ़ा देती है। कुछ पार्क्स होते हैं जहां पे थोड़ा सा पेमेंट करके जाना पड़ता है, लेकिन ज्यादा नहीं, एक आध रुपया, एक रुपया, दो रुपया, तीन रुपया, छोटे छोटा अमाउंट, तो वो भी एक एरिया के लिए फैसिलिटी हो जाती है। लोग जाते हैं, घूमते हैं, वॉक लेते हैं, खेलते हैं, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, बच्चे लोग फुटबॉल खेलते हैं, ये लिवेबिलिटी है। और एक मैं लिवेबिलिटी का फीचर बताता हूं, थोड़ा सा रिपीटेशन जैसे हो जाएगा। आपका जो बिल्डिंग है उसको सेफ होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, हर किसी के लिए सेफ होना चाहिए। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि ये सीढ़ी से मैं गिर जाऊंगा तो मैं सीधा 20 माला नीचे जाके धड़ाम से गिरूंगा और मेरी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ऐसे होना चाहिए कि अरे गिरे तो यार 2 कदम 4 कदम 6 कदम और फिर रुक जाएंगे और फिर संभल जाएंगे और ज्यादा चोट नहीं आएगी। तो बिल्डिंग ऐसे होना चाहिए कि इंसानों को ज्यादा चोट न पहुंचा सके। ऐसे बिल्डिंग्स होने चाहिए कि अगर कोई गुस्से में आया तो कहीं खुदकुशी न कर बैठे, यानी सेफ्टी होनी चाहिए हर जगह। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, घर में वाद विवाद इतना बढ़ जाता है, इतना टेंशन वाला हो जाता है माहौल, या फिर बच्चा है 12th स्टैंडर्ड पढ़ रहा है, टेंशन में आ गया, पेपर खराब गया और उसको डर लगता है कि मम्मी डैडी मुझे बहुत डांटेंगे। अब इस ऐसे माहौल बन जाते हैं कि बच्चे लोग कहते हैं यार खत्म कर, बच्चों के पूरे पसीने छूट जाए। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो पसीने से तरबतर हो जाते हैं डर के मारे कि पता नहीं मेरा एग्जाम रिजल्ट को देख के पापा क्या कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे बेटा, लेकिन बच्चा रहेगा तब पापा कह सकते हैं ना कुछ। तो ये टाइप के बिल्डिंग्स नहीं होने चाहिए जहां पे कोई कुछ कर बैठे, या फिर बाय एक्सीडेंट खेलते खेलते बच्चे लोग गिर जाए, ये टाइप के बिल्डिंग्स नहीं होने चाहिए। कुछ बिल्डिंग्स मैंने ऐसे देखे हैं जो काफी डेंजरस हैं बच्चों के लिए। लोधा न्यूकफ परेड के का ड्योरो बिल्डिंग, अब मैंने और बिल्डिंग्स देखे नहीं है लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि सेम सिमिलर होगा, डेंजरस है, खतरा है, बहुत खतरा है। उसको देख के मुझे लगता है यार कहां कहां से क्या क्या हो सकता है, और अगर हो जाता है तो फिर वो हशअप कर लेंगे, उनकी पीआर टीम चुप करवा देगी, वो न्यूज को बाहर नहीं निकलने देगी। तो ये टाइप से नहीं होना चाहिए। बालकनी सुरक्षित होने चाहिए, डक्ट्स वो टाइप के नहीं होने चाहिए कि सीधा नीचे जाओगे। तो ये सब एक लिवेबल हाउस बिल्डिंग के फीचर्स है। कुछ और लिवेबिलिटी के मैं बात कहता हूं। आप अगर गाड़ी को पार्किंग में लगा के आते हो, बेसमेंट पार्किंग हो या पोडियम पार्किंग हो या कोई भी पार्किंग हो, आप पार्किंग में अगर गाड़ी लगाते हो तो पार्किंग से आपको अपने घर पहुंचने के लिए 2-5 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल लोगों के लिए 2-5 मिनट ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे बिल्डिंग्स देखे हैं
जहां पर आप पार्किंग करोगे और पार्किंग करके यार आपको चलना पड़ेगा चलना पड़ेगा चलना पड़ेगा, आधा किलोमीटर तो पार्क करके चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लिवेबिलिटी कम कर रही है आपके बिल्डिंग का, जो लिवेबिलिटी है वो पार्किंग की वजह से कम हो रहा है। अच्छा, रिक्शा ड्रॉप ऑफ पॉइंट या बस ये कार ड्रॉप ऑफ पॉइंट या टैक्सी ड्रॉप ऑफ पॉइंट, तो आप जिधर ड्रॉप ऑफ होते हो और फिर आपको अपने घर के बिल्डिंग तक चल के आना पड़ता है और लिफ्ट में चढ़ना पड़ता है, वो डिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक मिनट हुआ तो भी मैक्स टू मैक्स, शायद आधा मिनट होना चाहिए, शायद 10 सेकेंड होने चाहिए। अगर वो 2 मिनट 5 मिनट दूरी पे है ड्रॉप ऑफ पॉइंट, जहां से चल के आना पड़ता है आपको गेट के अंदर, चलते चलते चलते, अंदर अलाउड नहीं है, यहां पे रिक्शा अलाउड नहीं है, आपको चल के आना पड़ेगा गेट से, ये टाइप का अगर माहौल बनता है कि 5 मिनट का, इवन 3 मिनट का मैं कहूंगा ज्यादा है, ज्यादा है, और इतना जब ज्यादा हो जाता है तो लाइफ की लिवेबिलिटी, वहां की लिवेबिलिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज रहती है, कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो आपको देखना चाहिए कि इसका डिस्टेंस क्या है जो मैं चलने जा रहा हूं, और आपको यह सोचना चाहिए, मान लो कि मेरे पैर में मोच आया है, पैर में चोट लगी है, या मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूं, लकड़ी लेके चलता हूं, काठी लेके चलता हूं, क्रचेस लेके चलता हूं, वॉकर लेके चलता हूं, तो क्या मैं इस एरिया में अच्छी तरह से जी सकता हूं? आप सोचिए, अगर जवाब हां है तो उसकी लिवेबिलिटी हाई है, अगर नहीं तो लो है। दूसरी एक बात है, कुछ बिल्डिंग्स ऐसे रहते हैं जहां पर क्लास वेरिएशन हो जाता है, फॉर एग्जांपल रीडेवलपमेंट बिल्डिंग, तो एक SRA प्रोजेक्ट है, एक तरफ SRA वालों को दे दिया जो स्लम रिहैब वाले, दूसरे तरफ जो रिच पब्लिक है, अब दोनों को सेम कंपाउंड शेयर करना है, रिच पब्लिक उनके बच्चे उनकी गाड़ियां उनकी आदतें, वर्सेस SRA पब्लिक उनके बच्चे उनकी गाड़ियां उनकी आदतें उनके बोलने के चलने के तरीके। गरीब लोग अच्छी तरह से जी सकते हैं, अमीर लोग अच्छी तरह से जी सकते हैं, लेकिन उनको साथ में डाल दो, झगड़े ही झगड़े, फुल झगड़े, तेरा बच्चे ने मेरे बच्चे को झगड़ा धक्का मारा, तेरी गाड़ी मेरे हमारे एरिया में पार्क क्यों है, ये टाइप के झगड़े। मैनेजिंग कमिटीज कभी मिल ही नहीं सकते हैं, झगड़ा ही झगड़ा रहेगा, क्यों? क्योंकि फर्क बहुत है, फासला बहुत है, कम्युनिकेशन हो नहीं पाता है, बोल नहीं पाते एक दूसरे के साथ, वो अलग है, यानी जात से अलग है सॉर्ट ऑफ। तो ये टाइप से नहीं होना चाहिए। आप अगर रीसेल प्रॉपर्टी लेते हो, इन सभी बातों पर ध्यान रखो कि लिवेबिलिटी कैसा है। इस विषय पर और मैं बात करूंगा। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण दियोरबन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान,